कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले पालिका परिषद बैकुंठपुर की सफाई दीदियों के द्वारा बेकार रद्दी सामानों से सिविल लाइन सड़क किनारे का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के वाले स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स की बेकार रद्दी बोतल से सिविल लाइन सड़क के किनारे को गार्ड नुमा बनाकर सवार रही हैं। इस विषय पर नगरपालिका सीएमओ संजय दुबे ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शहर में विभिन्न स्थानों पर सफाई का कार्य किया गया है। इसी के तहत सफाई दीदियों के द्वारा रद्दी और बेकार बोतल से साज सजावट का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने शहर वासियों से आह्वान किया कि वो खुद आकर दीदियों के द्वारा किए गए इस कार्य का अवलोकन करें और दीदियों का उत्साहवर्धन करें। स्वच्छता ही सेवा के तहत शासन के निर्देशानुसार 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत हम लोगों ने प्रेमाबाग मंदिर में श्रमदान किया, जिसमें जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय सहित सभी उपस्थित हुए थे। इसके पश्चात हम लोगों के द्वारा हनुमान मंदिर तालाब का सौंदर्य सफाई किया गया। कबाड़ से जुगाड़ के तहत वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, इससे हमने सिविल लाइन में पार्क में एक कलाकारी किया है और आज हमारा उसमें टायर से और कलाकारी हो रहा है। कल हमारा का पूर्ण हो जाएगा। कल हम 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम वहां पे करेंगे, उसके तहत आम जनता के लिए एक बहुत ही अच्छे सुंदर देखने लायक हमारे स्वच्छता दीदियों के द्वारा एक स्वच्छता अभियान के तहत एक कार्य को किया गया है। मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि इनके द्वारा किए गए कार्य को एक बार आप स्वयं अवलोकन करें और हमें आगे के लिए एक मार्गदर्शन दें, ताकि हम आपके मार्गदर्शन से प्रेरित होकर और भी अच्छा कार्य करने की कोशिश करें।